हेलो स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइटोग्राफ इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मास कर्व ऑफ रेनफॉल जो कि एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है हमने डबल मास्क कर्व भी देखा था डबल कर्व किसी भी स्टेशन एक्स की कंसिस्टेंसी या करेक्शन चेक करने के लिए हम प्लॉट करते हैं और फिर हम करेक्शन उस डाटा पे करते हैं जिसको हम करेक्टेड प्रेसिपिटेशन एट एनी टाइम पीरियड टी एट स्टेशन एक्स कहे थे हाइटोग्राफ में भी ये भी एक ग्राफ है जो रेनफॉल इंटेंसिटी रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में प्लॉट होता है रेनफॉल इंटेंसिटी को हम किसमें मेजर करते हैं ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को हम इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब ये यह है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड में कितनी रेन हुई है इसका मतलब सेंटीमीटर पर आर या एम एम पर आर ठीक है सेंटीमीटर पर आर मतलब पर आर टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी वहाँ पे बारिश हो चुकी है इसलिए हम इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं ये इंटेंसिटी की यूनिट है सेंटीमीटर पर आर यह हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है जो कि आर में है और वाई एक्सिस पे हमने रेनफॉल इंटेंसिटी रेनफॉल इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट होता है जीरो से स्टार्ट होता है ये हमने पॉइंट वन सेंटीमीटर पर आर पॉइंट टू सेंटीमीटर पर और पॉइंट थ्री पॉइंट फोर ये क्या है रेनफॉल इंटेंसिटी ठीक है ये एट आर सिक्सटीन आर ट्वेंटी फोर आर हमने एट एट के इंटरवल में एक्स एक्सिस पे मार्किंग की है तो ये हमारा हाइटोग्राफ प्लॉट है हाइटोग्राफ एक बार चार्ट होता है जो हम मास कर्व से डिराइव कर सकते हैं यदि हमारे पास मास कर्व है जिसको हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था मास कर्व यदि हमारे पास है तो हम उससे हाइटोग्राफ बना सकते हैं ठीक है हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम इंटरवल अब हम ये देखते हैं कि हाइटोग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है हम क्यों पढ़ रहे हैं हाइटोग्राफ हाइटोग्राफ से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सट्रीम फ्लड कितना है एक्सट्रीम फ्लड कितना आ सकता है या कितना आया है ठीक है और इट इज वेरी कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टॉम ठीक है ये बहुत ही एक कन्वीनियंट वे है किसी भी स्टॉम या किसी भी जो प्रेसिपिटेशन है उसको उसके कैरेक्टर को शो करने के लिए द एरिया अंडर द हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन द पीरियड ये जो पूरा पीरियड है या हम इस पीरियड की बात करें जीरो टू एट ठीक है तो यदि हम इस डायग्राम का या इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लें ये पूरा एरिया हमें क्या देगा यदि हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो ये हमको टोटल प्रेसिपिटेशन देता है इस पर्टिकुलर पीरियड में मतलब हम ये कह सकते हैं यदि हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो जीरो से जीरो से एट आर के बीच में हमको टोटल प्रेसिपिटेशन कितना हुआ इस एरिया में हम ये निकाल सकते हैं सिंपल है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है यदि हम इसको मार्क करें ये ए ए बी सी ये डी तो टोटल प्रेसिपिटेशन एट टाइम इंटरवल एट आर और इसको हम क्या बोलते हैं जीरो टू एट आर कितना जाएगा हमारा एरिया ए बी इंटू बी सी ए बी कितना है हमारा एट और बी सी कितना है जीरो पॉइंट थ्री ट्वेंटी फोर मतलब टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर रेन ये प्रेसिपिटेशन इस एरिया में और इस इंटरवल में हुई ठीक है एट जो है इसकी यूनिट थी आई आर सेंटीमीटर पर आर तो आर से आर कैंसिल हो गया तो सेंटीमीटर बचा तो इसकी यूनिट क्या आ गई हमारी टोटल प्रेसिपिटेशन की सेंटीमीटर तो ये टोटल प्रेसिपिटेशन हमारे पास कितना है टू पॉइंट फोर इसी तरह से यदि हम जीरो टू लगा जीरो से लगा के फिफ्टी एट आर तक का हम टोटल प्रेसिपिटेशन निकालें तो निकाल सकते हैं दिस एरिया प्लस 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 दिस एरिया इस पूरे एरिया को हम अलग अलग निकाल के यदि हम इसका एडिशन करें तो हमें इस पूरे ड्यूरेशन में टोटल प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं तो एक बार और इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आराम से अ हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम इंटरवल। द हाइटोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम द मास्कर एंड इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज अ बार चार्ट बार चार्ट से हम इसको यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉम एंड अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन स्टॉम्स टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम फ्लड कितना एक्सट्रीम फ्लड आया है या आने वाला है यह हम किससे निकाल सकते हैं हाइटोग्राफ से ठीक है द एरिया अंडर द हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड जैसे कि हमने यहाँ से ये निकाला है द टाइम इंटरवल यूज डिपेंड ऑन द पर्पस इन अर्बन ड्रेनेज प्रॉब्लम्स स्मॉल ड्यूरेशन आर यूज वाइल इन फ्लड फ्लो कंपटेशन इन लार्ज कैचमेंट द इंटरवल आर ऑफ अबाउट सिक्स आर मतलब यदि हमको अर्बन एरिया में या ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम स्मॉल ड्यूरेशन लेके इसको देखेंगे कि इंटेंसिटी कितनी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वहाँ का टोटल प्रेसिपिटेशन कितना है यदि हमको लार्ज स्केल में मतलब फ्लड फ्लो कंप्यूटेशन इन लार्ज कैचमेंट देखना है अगर हमारा कैचमेंट लार्ज है या हमको लार्ज एरिया में उसका स्टडी करना है तो हमको कम से कम कितने इंटरवल को ले चलना पड़ता है लगभग सिक्स आर्क हाइटोग्राफ के बाद हम देखते हैं पॉइंट रेनफॉल एक टर्म है वो क्या होता है पॉइंट रेनफॉल का जो वर्ड है इसके पहले भी हम देख चुके हैं आया था एक बार और देखते हैं पॉइंट रेनफॉल आल्सो नोन एज स्टेशन रेनफॉल यदि पॉइंट रेनफॉल आप आया तो कंफ्यूज ना हो पॉइंट रेनफॉल नथिंग बट अ स्टेशन रेनफॉल रिफर्स टू द रेनफॉल डाटा ऑफ अ स्टेशन किसी भी स्टेशन में जो भी रेनफॉल डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं सिंपली उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट रेनफॉल ओके तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि न्यूमेरिकल में भी ये आ सकता है पूछेगा तो सिंपल किसी भी स्टेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं रेनगेज का रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्डिंग आई वहाँ पे जो भी डाटा आया उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल उस पॉइंट का रेनफॉल डाटा या उसे हम पॉइंट रेनफॉल कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड डाटा कैन बी लिस्टेड एज डेली वीकली मंथली सीजनल और एनुअल वैल्यूज़ फॉर वेरियस पीरियड्स जैसे भी हमको ज़रूरत होती है हम या तो डेली बेसिस पे उस पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन में जाके रोज एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस टाइम पे हम रेनगेज को निकालते हैं उसका मेज़रमेंट करते हैं रिकॉर्डिंग है नॉन रिकॉर्डिंग है, है यदि नॉन रिकॉर्डिंग है तो उसका मेजरिंग सिलेंडर निकालते हैं सॉरी uh, सिलेंडर निकालते हैं उसके अंदर से उसको मेजरिंग सिलेंडर में पोर करते हैं और उसके बाद हम उसका डाटा कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग रेनगेज आपको पता ही है सिंपली वो रिकॉर्ड दे देता है ऑटोमेटिकली कि कितनी रेनफॉल हुई है हम उसके चार्ट से पता लगा सकते हैं या बकेट है तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड uh, होता है उस पर तो ये डेली करते हैं रिकॉर्ड या वीकली करते हैं मंथली कर सकते हैं सीजनली कर सकते हैं सीजनली मींस जैसे रेनी सीज़न आया तो रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद हम एक बार उसको मेज़र कर लिए आ, समर सीज़न आया समर सीज़न में हम जाके मेज़र कर लिए विंटर सीज़न आया विंटर सीजन में देख लिए कि पूरी विंटर सीजन में जो फोर मंथ की या थ्री मंथ की जो होती है विंटर सीजन उसमें हमको कितना रेनफॉल मिला है या एनुअली भी हम उसको मेजर कर सकते हैं यदि हमारे पास हाई कैपेसिटी की क्या है है ग्राफिकली दीज डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज प्लॉट्स ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस क्रोनोलॉजिकल टाइम इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम ग्राफिकली हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं फिर एक क्रोनोलॉजिकल टाइम टाइम पीरियड लेते हैं ठीक है और बाय बार डायग्राम उसका तैयार करते हैं जैसे कि हमने अभी बार डायग्राम देखा था सच अ प्लॉट हावेवर इज नॉट कन्वीनियंट फॉर डिसर्निंग डिस इन द रेनफॉल फॉल एज देयर विल बी कंसिडरेबल वेरिएशंस इन द रेनफॉल वैल्यूज लीडिंग टू रैपिड चेंजेस इन प्लॉट जनरली पॉइंट रेनफॉल जो होता है उसका जो हम डायग्राम um, या प्लॉट तैयार करते हैं प्लॉट मीन्स ग्राफ जैसे कि हमने अभी ये बा, बार डायग्राम देखे थे तो जो हम डायग्राम बनाते हैं वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंस का नहीं होता क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें जो वेरिएशंस हैं रेनफॉल के वो बहुत रैपिड वेरिएशंस आते हैं इसके कारण जनरली हम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रडिक्शन predict, को प्रडिक्ट करने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं जनरली क्यों नहीं करते क्योंकि इसमें रेपिड चेंजेस आते हैं द ट्रेंड इज ऑफन डिसर्न बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज आल्सो नोन एज मूविंग मीन तो हम जनरली मूविंग मीन का यूज करते हैं जब हम पॉइंट रेनफॉल डाटा हमें पता है तो हम फिर एक मूविंग एवरेज निकालते हैं मूविंग मीन जिसको हम अभी पढ़ते हैं जब पॉइंट रेनफॉल डाटा से बात नहीं बनती तो हम इस डाटा का यूज करके मूविंग एवरेज से डाटा को क्या करते हैं स्मूथनिंग करते हैं डाटा की ठीक है तो मूविंग एवरेज इज़ अ टेक्निक फॉर स्मूथनिंग आउट द हाई फ्रीकवेंसी फ्लक्चुएशंस ऑफ अ टाइम सीरीज एंड टू एनेबल द ट्रेंड इफ एनी टू बी नोटिज जैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन वाला डाटा हमें पॉइंट रेनफॉल से मिलता है तो हम मूविंग एवरेज से क्या करते हैं उसको स्मूथ करते हैं स्मूथनिंग करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए डाटा में तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे हमें एम ईयर e. के डाटा है हमारे पास ठीक है एम ईयर के डाटा हैं तो हम क्या करते हैं कुछ ईयर e. को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, और उसका एवरेज निकालते हैं ठीक है हम ईयर e. का सिलेक्शन जब करते हैं तो जनरली हम उसमें ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का डाटा हम लें तो ये हमारे लिए कन्वीन होता है जैसे हम यहाँ समझते हैं जैसे हमारे पास ट्वेंटी फाइव ईयरस का डाटा मिला किससे पॉइंट रेनफॉल से तो ट्वेंटी फाइव ईयर के डाटा में हम क्या करें फाइव फाइव के सेट बना लें फाइव फाइव के सेट बनाएंगे तो ट्वेंटी फाइव ईयर में कितने सेट आएंगे फाइव सेट्स आएंगे ठीक है इन फाइव सेट्स को हम क्या करेंगे मूविंग एवरेज से स्मूथनिंग करेंगे फाइव सेट हैं मतलब फाइव ईयर के डाटा हम एक तरफ कर लेते हैं सपोज़ नाइनटीन नाइन्टी फिर नाइन्टीन नाइन्टी वन नाइन्टीन नाइन्टी टू नाइन्टीन नाइन्टी थ्री नाइन्टीन नाइन्टी फोर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ईयर के डाटा हमारे पास है सपोज़ टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर ये हमारे पास रेनफॉल पॉइंट रेनफॉल आए तो हम क्या करेंगे इन डाटा का एवरेज निकाल लेंगे टू प्लस थ्री प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई फाइव इसका एवरेज निकाल के फिर हम क्या करेंगे इसका एवरेज कितना आया मान लो एक्स आया तो इस एवरेज को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे वन टू यहाँ से टू छोड़े स्टार्टिंग से यहाँ से टू छोड़े तो मिडिल वाला जो है इसकी जगह पे हम इस एवरेज को प्लेस करेंगे ऐसे ही हम इस फाइव सेट्स में करेंगे तो हमें क्या होगा जो ट्रेंड मिलेगा जो डाटा का जो ट्रेंड मिलेगा वो स्मूथनिंग ट्रेंड होगा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी स्मूथनिंग करेंगे तो जनरली हमको इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ डाटा लेना है जैसे थ्री हो गया थ्री ले लिए या फाइव ले लिए ठीक है ऑड नंबर ऑफ डाटा लेना है और ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है इस मेथड को क्या बोलते हैं सेंट्रल सिंपल मूविंग एवरेज मेथड थैंक यू स्टूडेंट्स